हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मंदीप एजुकेशन अकेडमी यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स के चैप्टर न्यूक्लियाई में से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी के अंदर जो जो भी इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ना है, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ डिटेल में। और अगर आपको इसके पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप MEA ऐप यानी मंदीप एजुकेशन अकेडमी ऐप से डाउनलोड कर सकते हो। तो शुरू करते हैं बच्चों, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी है क्या बच्चों? जैसा कि आप डेफिनेशन देख रहे हो, एक बार मैं पढ़ देता हूं बट फिर हम समझेंगे और फिर उसी को समझते समझते हमें डेफिनेशन भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अप अ न्यूक्लियस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड टू सेपरेट देम टू सच अ लार्ज डिस्टेंस दैट दे मे नॉट इंटरेक्ट विद ईच अदर। ठीक है, पढ़ ली डेफिनेशन, लेकिन क्या मतलब है? तो हम पहले मीनिंग समझे, मीनिंग समझेंगे तो डेफिनेशन की एक एक चीज हमको समझ में आने लगेगी। बच्चों, जब भी न्यूक्लियस बनता है, न्यूक्लियस इज अ वेरी 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 स्टेबल एंटिटी, बहुत ही ज्यादा स्टेबल है न्यूक्लियस। ये यहां पर मैंने दिखाया है जिसके अंदर ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपस में जुड़े हुए हैं। अब आप सोचो कि न्यूट्रॉन जो है वो तो न्यूट्रल होता है और प्रोटॉन्स जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। अब आप सोचो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को इतना पास होल्ड करके रखने के लिए कितनी स्ट्रांग फोर्स चाहिए होगी। और लास्ट वीडियो में हमने न्यूक्लियर डेंसिटी की भी बात की थी और कितनी हाई आई थी न्यूक्लियर डेंसिटी, 2.3 × 10⁻¹⁷ केजी पर मीटर क्यूब। यानी न्यूक्लियर मटेरियल जो है, यानी न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, वो बहुत टाइटली पैक्ड है। इतना टाइटली वो पैक हुए कैसे? क्या इन्होंने एक दूसरे को रिपेल नहीं किया? अब इसके पीछे जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है वो भी हम एक वीडियो में पढ़ चुके हैं कि उसको न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। तो न्यूक्लियर फोर्स जो है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होती है और न्यूक्लियर फोर्स की वजह से ये न्यूक्लियस बन जाता है। ठीक है, लेकिन इतने से बात नहीं बनेगी। सवाल है कि पहली बार जब ये पास आए तो न्यूक्लियर फोर्स आपको पता है तभी एक्टिवेट होती है जब पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस जो है वो वन या टू फेम्टोमीटर, यानी 1 × 10⁻¹⁵ वन या टू फेम्टोमीटर के आसपास का डिस्टेंस होता है या ज्यादा से ज्यादा 3 फेम्टोमीटर का डिस्टेंस होता है तब न्यूक्लियर फोर्स एक्टिवेट होती है। उससे पहले तो अगर प्रोटॉन्स दूर है तो उनके बीच में कुलंबिक रिपल्शन ही रहेगा। तो ये इतना पास शुरू में आए कैसे, है ना? उसी का आंसर हमको मिलने वाला है बाइंडिंग एनर्जी के अंदर। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी जो है, ये टर्म कहां से आई है? बाइंडिंग, बाइंडिंग मतलब जोड़ के रखने वाली एनर्जी। तो न्यूक्लियस के न्यूक्लियॉन्स को, न्यूक्लियस के अंदर जो भी पार्टिकल है उसको न्यूक्लियॉन बोलते हैं, चाहे वो प्रोटॉन हो चाहे न्यूट्रॉन हो। तो न्यूक्लियस के अंदर के न्यूक्लियॉन्स को जोड़ के रखने वाली जो एनर्जी है वो बाइंडिंग एनर्जी है। तो जरा ध्यान से सुनना कि यह प्रोसेस होता कैसे है। बच्चों, न्यूक्लियस बनता है स्टार्स में। अब न्यूक्लियर फ्यूजन का अगर आप बोलोगे कि एग्जांपल दो अर्थ पे, तो स्पेशल केसेस में तो करवाया जा सकता है बॉम्ब्स वगैरह में, लेकिन नेचुरली नहीं होता है अर्थ पे। नेचुरल न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब है दो न्यूक्लियाई का जुड़ना और बड़ा न्यूक्लियस बनना, या प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जुड़ के न्यूक्लियस बनाना। ये जो फ्यूजन का प्रोसेस है ना, ये स्टार्स में होता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि इनको इतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए, इतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए जो दो प्रोटॉन्स के बीच की कुलंबिक रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम कर सके और ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पास पास आके आपस में जुड़ सके। ये तभी पॉसिबल है जब जबरदस्त धक्का पड़े, और वो तभी पॉसिबल है जब बहुत सारी एनर्जी अवेलेबल हो। तो इतने हाई अमाउंट में एनर्जी अवेलेबल होती है सिर्फ स्टार्स के अंदर। लेकिन सवाल है कि सबसे पहला न्यूक्लियस कैसे बना किसी भी स्टार में? तो क्या था कि जब यूनिवर्स बना था तो एलिमेंट्स तो नहीं बने, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बने। वो कैसे बने उसके पीछे की कहानी भी अलग है, बट वहां तक हम नहीं जा रहे हैं। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बने, है ना? एक एक प्रोटॉन ने एक एक इलेक्ट्रॉन पकड़ लिया। जैसे हवा में, आप सोचो हवा में क्या घूम रहा है, हवा में पूरे यूनिवर्स में बिखरे पड़े हैं प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, है ना? अब अट्रैक्शन की वजह से एक प्रोटॉन के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन ने घूमना शुरू कर दिया, एक प्रोटॉन के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन ने घूमना शुरू कर दिया। ये बना आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और क्या है? एक प्रोटॉन के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना? और बहुत सारे हाइड्रोजन के एटम्स बनते गए, जो अपनी म्यूचुअल ग्रेविटेशनल पुल की वजह से पास आते गए और डेंसिटी बढ़ती गई। जैसे जैसे हाइड्रोजन एटम बढ़ते गए और पास आते गए, और एक गुच्छा बन गया पूरा हाइड्रोजन एटम्स का।
ठीक है, ये इतना ज्यादा डेंस हो गया ये हाइड्रोजन का क्लाउड कि उसका टेम्परेचर जो है वो 10^7 केल्विन से भी ऊपर निकल गया, यानी 1 करोड़ केल्विन से भी ऊपर निकल गया। इतने हाई टेम्परेचर पे, इतने हाई टेम्परेचर पे ए न्यूक्लियाइज ने, न्यूक्लियाई अपने आप में प्लूरल होता है तो न्यूक्लियाइज नहीं, न्यूक्लियाई ने, ये जितने भी हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई थे, इन्होंने इतनी एनर्जी गेन कर ली कि एक दूसरे से टकराने लगे। और जैसे ही एक न्यूक्लियस, मतलब एक पूरा हाइड्रोजन का एटम दूसरे हाइड्रोजन के एटम से टकराया तो हीलियम का एटम बना, फिर वो हीलियम का एटम किसी तीसरे एटम से टकराया तो लिथियम का बना, ऐसे धीरे धीरे हायर एलिमेंट्स बने। ठीक है, तो ये जो फ्यूजन का प्रोसेस है ना, ये होता है स्टार्स के अंदर, क्योंकि इतनी ज्यादा एनर्जी केवल वहीं पर अवेलेबल होती है। ठीक, अब आप सोचो, साइंस का सिंपल सा रूल है, बेसिक सा रूल है कि जब भी कोई स्टेबल चीज बनती है तो एनर्जी रिलीज होती है ना, बिकॉज वो जितनी ज्यादा स्टेबल होगी उतनी ज्यादा एनर्जी अपने अंदर से बाहर फेंकेगी। स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, तो अगर कोई बहुत ज्यादा स्टेबल चीज बन रही है तो उसकी फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई होगी। अब आप देखो, ये तो बहुत ही ज्यादा स्टेबल एंटिटी बन रही है, न्यूक्लियस इज अ वेरी स्टेबल एंटिटी, इतना डेंस होता है, तो ये इतना ज्यादा स्टेबल है तो मतलब इसकी फॉर्मेशन में तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई होगी। और किसी भी चीज की फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज हुई होती है वो इस चीज का पैरामीटर होती है कि इस चीज को जब तोड़ना हो तो भी एनर्जी इतनी ही सप्लाई करनी पड़ेगी। मान लो एक चीज बनी है जिसे 100 जूल एनर्जी रिलीज हुई है, जब वो बनी तो अगर उस चीज को ब्रेक करना हो तो हमें 100 जूल एनर्जी ही देनी पड़ेगी, फिर वो अपने पार्टिकल्स में डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। सो ये जो एनर्जी है ना, ये जितनी ज्यादा होगी किसी चीज के बनने पर, जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी मतलब उसको तोड़ने के लिए भी उतनी ही ज्यादा एनर्जी देनी है, तो मतलब वो उतनी ज्यादा स्टेबल है। तो न्यूक्लियस तो बहुत स्टेबल है, तो इसकी इसकी फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, और यही एनर्जी कारण है जो आप स्टार्स की हीट और लाइट देख रहे हो। इतनी ज्यादा हीट और लाइट जो है, ये एनर्जी कहां से आ रही है, न्यूक्लियाई बन रहे हैं, लगातार न्यूक्लियाई बन रहे हैं स्टार्स के अंदर, और ये जो हीट एनर्जी, लाइट और हीट की फॉर्म में एनर्जी जो है ये रिलीज हो रही है। ठीक है, तो जब एक न्यूक्लियस बनता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, और ऑब्वियसली अगर उस न्यूक्लियस को तोड़ना हो तो हमें उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी, सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। तो वहां से हमने इसको डिफाइन किया कि इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अप अ न्यूक्लियस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड टू सेपरेट देम टू सच अ लार्ज डिस्टेंस दैट दे मे नॉट इंटरेक्ट विद ईच अदर, बिल्कुल दूर दूर भेज दो कि उनके बीच की इंटरेक्शन ही खत्म हो जाए, दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। ठीक, अब सवाल है कि एनर्जी आती कहां से है, तो ये एनर्जी कहां से आती है, इसके लिए हमें आइंस्टाइन की इक्वेशन को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। बहुत ही फेमस इक्वेशन है E=mc2। क्या होता है बच्चों कि जिन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से न्यूक्लियस बनता है मिलके, मान लेते हैं, लेट्स इमेजिन कि एक न्यूक्लियस है जो इन 10 न्यूक्लियॉन्स से मिलके बना है, येलो वाले न्यूट्रॉन्स हैं और व्हाइट वाले जो हैं वो प्रोटॉन्स हैं, ये पास आए पास आए पास आए और इनसे एक न्यूक्लियस बना, ये न्यूक्लियस बन गया, ये न्यूक्लियस बन गया। तो ऐसा देखा गया, ऐसा हमने ऑब्जर्व किया कि इनका जो टोटल मास है वो है m बिफोर, है ना, और ये जो मास है दिस इज सपोज m आफ्टर, m a, दिस इज एम बी, मतलब मास बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियॉन्स जिनसे वो न्यूक्लियस बना है उनका मास बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस एम बी है, और जब न्यूक्लियस बना तो जो टोटल मास है उस न्यूक्लियस का वो एम ए है, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बराबर होना चाहिए क्योंकि ये न्यूक्लियस इन्हीं से तो मिलकर बना है। लेकिन बड़ी अमेजिंग बात हमें यह पता चलती है कि एम ए हमेशा छोटा होता है एम बी से, मतलब जो बना है मास, जो बना है, जो न्यूक्लियस बना है उसका मास हमेशा जो न्यूक्लियॉन से जिनसे वो मिलके बना है उनके टोटल मास से हमेशा कम होता है। इसका मतलब है न्यूक्लियस की फॉर्मेशन के दौरान कुछ मास जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गया, समझ में आई बात, और वो मास कहां जाता है, वही मास है जो एनर्जी की रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और वो एनर्जी निकाली जाती है यूजिंग दिस फेमस इक्वेशन E=mc2। दिस डेल्टा एम इज वॉट, दिस डेल्टा एम इज कितना मास डिस्ट्रॉय हुआ है, देखो डेल्टा एम इज वॉट, मास बिफोर ज्यादा था माइनस मास आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, दिस इज डेल्टा एम, एंड दिस डेल्टा एम इज कॉल्ड मास
डिफेक्ट। क्या बोलते हैं इस डेल्टा एम को? इस डेल्टा एम को हम लोग बोलते हैं मास डिफेक्ट। समझ में आई बात? सी इज व्हाट? सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू आप जानते हो 3×10⁻⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अब आप देखो, इतनी एनर्जी रिलीज होगी जब इतना मास डिस्ट्रॉय होगा, और इतना मास डिस्ट्रॉय कहां हो रहा है? एक न्यूक्लियस की फॉर्मेशन में। ये डेल्टा एम आपको दिया होगा एएमयू में, न्यूक्लियाई के मास, एटम्स के मास, मॉलिक्यूल्स के मास हम किस यूनिट में लेते हैं? एटॉमिक मास यूनिट में, जो कि बहुत कम होती है। बट जब आप इस वैल्यू को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत ज्यादा आएगी। और हम एक दो न्यूक्लियाई की बात करें तो एएमयू में बहुत कम होगी, एएमयू में मास जो है बहुत कम होगा। लेकिन स्टार्स में आप देखो मिलियंस एंड ट्रिलियंस, मिलियन ट्रिलियन तो बहुत ही छोटा नंबर है, 10^30-40 न्यूक्लियाई एक साथ बन रहे हैं तो कितना मास डिस्ट्रॉय होता होगा आप सोचो। वो आप यहां पे पुट करोगे, सी का स्क्वायर पुट करोगे, सी की वैल्यू होती है 3×10⁸, तो सी का स्क्वायर हो गया आपका 9×10⁻¹ मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर, है ना? ये सी स्क्वायर की वैल्यू हो गई। तो आप डेल्टा एम, मान लो आपने डेल्टा एम पुट किया 1 kg, लेट अस टेक एन एग्जांपल, आपने 1 kg डेल्टा एम पुट किया तो कितनी एनर्जी आई? 9×10⁻⁶ लिख दिया, 9×10⁻¹ जूल, बहुत हाई है, है ना? तो न्यूक्लियस की फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है, वो जब मास जो है न्यूक्लियॉन्स का वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, वहां से रिलीज होती है, ठीक। एंड दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी ना, यही तो है बाइंडिंग एनर्जी, जो न्यूक्लियस की फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज हो और जो उस न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए देनी पड़े। अगर न्यूक्लियस की फॉर्मेशन में इतनी एनर्जी रिलीज होगी तो उसको तोड़ने के लिए देनी भी इतनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। सो अब हम डिफाइन कर सकते हैं मास डिफेक्ट को। मास डिफेक्ट जो भी मैंने आपको बताया, हम उसको डिफाइन कर देते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस। रेस्ट मास मतलब न्यूक्लियस का जो मास है। एक्चुअली में क्या होता है, आइंस्टाइन का एक फंडा है कि जब पार्टिकल्स मूव करते हैं तो उनका मास जो है वो बढ़ने लगता है ना, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन m इक्वल टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 - v² / c², है ना? v इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो आप इस इक्वेशन में क्लियरली देखोगे, जब हम v की बड़ी वैल्यू पुट करते हैं तो m भी बड़ा आता है। m नॉट इज द रेस्ट मास, कि अगर वो पार्टिकल रेस्ट पे था तो उसका मास m नॉट था, अगर वो v वेलोसिटी से मूव करेगा तो उसका उस पार्टिकल का मास m हो जाएगा। बट हम जब इसमें मास की बात करते हैं, सो वी टॉक अबाउट द रेस्ट मास, नॉट दिस मास, ठीक है? इसलिए वो क्लियर करा हुआ है। द डिफरेंस बिटवीन रेस्ट मास ऑफ न्यूक्लियस एंड सम ऑफ रेस्ट मासेस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स इज कॉल्ड मास डिफेक्ट, है ना? तो इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। मान लो एक न्यूक्लियस है जिसका मास बिफोर क्या होगा, देखो, अगर एटॉमिक नंबर उसका z है, एटॉमिक मतलब नंबर, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, अगर उसमें z प्रोटॉन्स हैं और हर एक प्रोटॉन का मास है mp, तो z प्रोटॉन्स का कितना हुआ zmp, है ना? प्लस अगर उसका मास नंबर है a, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, एक न्यूट्रॉन का मास है mn, ठीक। तो उसका ये हुआ मास बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, एंड मास आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस को हम लोग ले लेते हैं mn, दैट इज द मास ऑफ न्यूक्लियस। सो व्हाट इज डेल्टा m? टोटल मास बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, यानी ये माइनस टोटल मास आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, यानी ये, सो दैट इज डेल्टा एम। अब ध्यान से सुनना मैं जो आपको बता रहा हूं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहां पर बताने लगा हूं, ठीक। आपको ये जो डेल्टा एम है ना, ये एएमयू में दिया होगा, फिर आपको बोला होगा बाइंडिंग एनर्जी निकालो। तो एक तो आप ये कर सकते हो कि आप डेल्टा एम को केजी में बदल लो। डेल्टा एम को केजी में बदलने के लिए आपका जो रिलेशन है वो ये है कि 1 AMU इज 1.67×10⁻²⁻²⁷ kg, ये आपका रिलेशन है। अब ये डेल्टा एम आपको एएमयू में दिया रहेगा, अभी क्वेश्चन में आपको करके दिखाऊंगा। डेल्टा एम आपको एएमयू में दिया रहेगा, ये आपका डेल्टा एम आ गया, इसको आपने इस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो ये केजी में बदल जाएगा। फिर आप एनर्जी निकाल लो, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर करके सी स्क्वायर की वैल्यू 9×10⁻⁶ रख दी और आपकी एनर्जी आ जाए, आपकी एनर्जी मतलब बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी जूल्स में, ठीक है, जूल में एनर्जी आ गई। एक तो आप ये कर सकते हो, लेकिन हमने सोचा यार, जब हमने हर क्वेश्चन में
ये करना है, एएमयू को केजी में कन्वर्ट करना है और फिर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्यों ना पहले ही ये कैलकुलेशंस करके रख लें ताकि हमारा टाइम बचेगा। तो हमने क्या किया, हमने पहले ही निकाल के रख लिया कि व्हेन वन एएमयू मास इज डिस्ट्रॉयड, जब एक एएमयू मास डिस्ट्रॉय होता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। अभी समझा दूंगा, जब एक एएमयू मास डिस्ट्रॉय होता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। हमने पहले ही कैलकुलेट करके रख लिया, वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना एनर्जी की यूनिट, 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल, तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब इसको 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दो। तो हमने पहले ही कैलकुलेट करके रखा हुआ है कि जब एक एएमयू मास डिस्ट्रॉय होगा तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होगी। ये वैल्यू आप याद रख लो, तो जो भी आपका डेल्टा एम आएगा एएमयू में, यहीं से उसको सीधा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दो और बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी आपके न्यूक्लियस की, आपके हमारी बॉडी में भी न्यूक्लियस है, ठीक। अच्छा, तो बाइंडिंग एनर्जी अपन ने ऐसे निकाल लेनी है और फिर हम निकालेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, बाइंडिंग एनर्जी ऐसे लिखना चाहिए, बाइंडिंग एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी अबे पर न्यूक्लियॉन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय मास नंबर, बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय मास नंबर। इसका क्या सिग्निफिकेंस है, आपको क्वेश्चन में सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी नहीं बोला होगा निकालने को, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बोला होगा। इसका क्या सिग्निफिकेंस है बच्चों, देखो अगर आपको दो न्यूक्लियाई की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है, अभी आपने मेरी बात सुन ली कि जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा मतलब उसकी फॉर्मेशन में ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई है ना, तो आपको दो न्यूक्लियाई की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है तो आप देखोगे अच्छा इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी कंपेयर करके काम चल जाएगा क्या, सोचो सोचो, सब सोचने वाली कहानी है यहां। एक न्यूक्लियस है जिसके अंदर 5 न्यूक्लियॉन है, एक न्यूक्लियस है जो 5 न्यूक्लियॉन से मिलके बना है, ठीक है, एक न्यूक्लियस है जो 1, 2, 3, 4, 5 न्यूक्लियॉन से मिलके बना है और एक न्यूक्लियस है जो सपोज 3 × 3 = 6, 7, 8, 9, 10 न्यूक्लियॉन से मिलके बना है। जब ये बना तो 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हुई और जब ये बना तो 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हुई। अब आप बोलोगे इसके केस में ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई है तो ये ज्यादा स्टेबल है, पर गड़बड़ हो गई क्योंकि ये बना भी तो 5 न्यूक्लियॉन से है और ये बना है 10 न्यूक्लियॉन से, तो अगर 5 न्यूक्लियॉन में 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो रही है तो 10 न्यूक्लियॉन में कम से कम 10 तो होनी चाहिए तब जाके इनकी स्टेबिलिटी बराबर आएगी, तो उसकी 10 से ज्यादा होती तो हम बोलते कि ये वाला इससे ज्यादा स्टेबल है। तो हम इतना दिमाग ना लगाएं, हम सिंपल बोलें 5/5 है ना, इसकी बाइंडिंग एनर्जी 5 डिवाइडेड बाय इसका मास नंबर 5, 5/5 बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन आ गई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसकी आ गई 6/10 0.6 जो कि कम है तो ये ज्यादा स्टेबल है ना। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन से स्टेबिलिटी पता चलेगी, सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी से नहीं पता चलेगी। एक एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूं, ये देखो जरा, कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ऑफ कैल्शियम न्यूक्लियस है ना, कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ऑफ कैल्शियम न्यूक्लियस, कैल्शियम न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकालने को हमें बोला है। तो हमें बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, मास ऑफ द न्यूक्लियस जो बना है, क्या बना है, कैल्शियम न्यूक्लियस, उसका मास दिया हुआ है, मास ऑफ ईच न्यूट्रॉन दिया हुआ है, मास ऑफ ईच प्रोटॉन दिया हुआ है, और इन क्वेश्चंस में आपको जो मासेस दिए रहेंगे वो डेसिमल के बाद कई वैल्यूज तक दिए रहेंगे क्योंकि बहुत कम मास से भी बहुत ज्यादा एनर्जी में डिफरेंस आ जाता है, तो हम इग्नोर नहीं कर सकते कोई भी डिजिट। अब देखो, तो आपको इसकी निकालनी है बाइंडिंग एनर्जी प्लस फिर हम निकालेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, वो तो हम मास नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो ये देख रहे हो नीचे वाला नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर, ऊपर वाला होता है मास नंबर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 20 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 40 − 20 = 20 है। तो सबसे पहले हम निकालें कि टोटल मास जब ये कैल्शियम न्यूक्लियस नहीं बना था तो कितना था। सो टोटल मास बिफोर फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस 20 × प्रोटॉन का मास प्लस 20 × न्यूट्रॉन का मास और ये आपका सम आता है, ये सिंपल सी कैलकुलेशन आप कर सकते हो। और मास ऑफ कैल्शियम न्यूक्लियस कितना दिया हुआ है, ये यहां पे हमने लिख लिया। तो मास डिफेक्ट क्या आया, मास डिफेक्ट आया
बिफोर द फॉर्मेशन जो टोटल मास था वो, माइनस आफ्टर फॉर्मेशन जो टोटल मास था वो. सो मास डिफेक्ट डेल्टा एम इज दिस. और देखो यहां पे हमने डेल्टा एम को सीधा 931 से मल्टीप्लाई कर दिया. 931 से भी आप कर सकते हो, एग्जैक्ट वैल्यू इज 931.5. और ये आ गई आपकी आपकी बाइंडिंग एनर्जी 931.87 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालने के लिए इसका मास नंबर है 40, उससे डिवाइड कर दिया तो ये आ गई आपकी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8.547. ठीक, तो ये टॉपिक था पूरा. इस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसको प्रिपेयर कर लेना. नोट्स मैंने बताई दिया, एमईए ऐप से डाउनलोड कर लेना. मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट.